अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अभी देखा आपने कि हमारे गौसिया नगर में मौला अली के नाम से मस्जिद थी और मस्जिद को जो है नई तामीर इसकी अभी आगाज़ किया गया है। तो लिहाजा तमाम मुखय्यर हजरात से, मुखलिस हजरात से पुरजोर गुजारिश है कि अपने तरफ से, अपने मावीनीन की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने आला औलाद की तरफ से इस मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब दारीन हासिल करें। ये सदक़े जारिया है, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी तब तक आपको इसका सवाब पहुँचता रहेगा, बरकतें पहुँचती रहेंगी, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती रहेंगी। लिहाजा मेरी तरफ से मुअद्दबाना, मुखलिसाना, हमदर्दाना गुजारिश है कि इस मस्जिद की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाबी हासिल कर लें। अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए, मस्जिदों की तामीर में हम आगे बढ़कर हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, गौसिया नगर के इस इलाके में ये मस्जिद मौला अली अहले सुन्नत व जमात माशाल्लाह पहले भी थी, मगर चूंकि बहुत शीट केस में थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के मुतवल्ली जनाब हुमायूं खादरी साहब ने माशाल्लाह बहुत बड़ा ये बेड़ा उठाया है मस्जिद को मुकम्मल शहीद करके। असर नौ एक अच्छे अंदाज में इसको तामीर किया जा रहा है और इस इलाके में माशाल्लाह ये बहुत अच्छा, ये मरकजी मामला है, यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं मौलाना हुमायूं खादरी साहब। मस्जिद की तामीर का काम शुरू हो चुका है और बहुत सारे अहबाब माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर इसमें साथ भी दे रहे हैं। हमारे रेजोल्यूट कंपनी के, रेजोल्यूट मेडिकल कंपनी के एक जिम्मेदार जनाब सरफराज साहब ने उनके वालिद मोहतरम जमरूद पाशा साहब मरहूम के नाम से एक पिलर लोहे का पूरा इंतजाम वो कर रहे हैं एक पिलर का, और उसके अलावा हमारे सलीम साहब फ्लावर मर्चेंट वो भी माशाल्लाह आए हैं यहाँ पर, कई चार पिलर का वो भी मामला ले रहे हैं। इस तरह इंशाल्लाह बहुत सारे अहबाब आकर साथ दे रहे हैं। देखिए, दुनिया में रहते हुए ही हमको आखिरत की तैयारी करना है, हम अपने नाम से भी और बिलखसूस हमारे वालिदैन के नाम से। माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा है, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, मरहूमीन हो चुके हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि मस्जिद की तामीर में वो अपने वालिदैन के नाम से हिस्सा लें। सीमेंट है, ईंट वगैरह है, फिर लोहा वगैरह है, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़मीन पर मस्जिद रहेगी उनको बराबर सवाब पहुँचता रहेगा। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम अहबाब से, अहबाब अहले सुन्नत से, कि इस मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लें। अभी मैं और सरकाजी उस्मान शरीफ साहब क़िबला, मौलाना फारूक साहब अभी काफ़ी देर से हमारे हुमायूं खादरी साहब से बातचीत कर रहे थे, तो बड़ी जद्दोजहद ये कर रहे हैं, इनका आगे चलकर मुस्तकबिल में बड़ा प्लान है। यहाँ पर इंशाल्लाह एक मदरसा, ऑलरेडी इस छोटी मस्जिद में भी लड़कियों का मदरसा अलग और लड़कों का मदरसा अलग चला रहे थे, जहाँ पर दीनियात का पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को हिफ्ज कराया जा रहा है, मौलवी कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आइंदा भी इंशाल्लाह मस्जिद मौला अली अहले सुन्नत वल जमात में मदरसा भी कायम होगा और लाइब्रेरी बनेगी बहुत बड़ी, और इंशाल्लाह ताला दारुल कज़ा होगा, तमाम जो है शोबे इस मस्जिद में कायम किए जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि इसमें साथ दें और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जल्द से जल्द इस मस्जिद के तामीरी काम में इमदाद गैबी अता फरमाए। बरकातहू। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ताला शहर मैसूर के सरकाजी साहब माविन काजी हजरत मौलाना सलाम साहब, इनकी अपील रही कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा ये एरिया गौसिया नगर, जहाँ पर गालिबन 20-22 साल से मस्जिद कायम थी, शीटों की मस्जिद थी, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सारे खुदा में मौला अली मस्जिद, जिसमें जनाब अली जनाब हुमायूं कादरी साहब और दीगर इनके जो भी चाहने मानने वाले जो यहाँ पर खिदमत से पहले से जुड़े हुए हैं, सभी ने मिलकर एक मजबूत इरादा करके मस्जिद को एक जदीद तामीर, नई तामीर, एक नई शक्ल, खूबसूरत शक्ल देने का इरादा करने के बाद ये काम को अंजाम देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला खड़े हैं। इसमें मजीद आप तमाम ही हजरात की जो एक ऐसे नेक काम है, जैसे कि सरकारी साहब ने अपनी गुफ्तगू में फरमाया, ये सदक़े जारिया है, ये ऐसा अमल है कि इंसान के ज़िंदा रहने के साथ साथ
इंसान के मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर व सवाब उसके नामे आमाल में उसकी कब्र में अता फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक उम्मीद कामिल है कि आप तमामी हजरात मस्जिद मौला अली के तामीरी काम में भरपूर बढ़ चढ़ कर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेंगे और अपना हिस्सा इस मस्जिद की तामीरी काम में आप लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह ताला, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। एक खूबसूरत बेहतरीन शक्ल में मस्जिद बनाने की हमारी पुरजोर कोशिश है। मस्जिद अहले सुन्नत व जमात है, मस्जिद मौला अली है, जितने भी मुहिब्बाने गुलामाने मौलाए कायनात है उनसे भी हमारी अपील है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप इस मस्जिद के लिए भरपूर ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमाएं। ऐन नवाजिश है, उम्मीद कामिला है कि इंशाअल्लाह ताला तमामी चाहने वाले इस मस्जिद के ताउनी काम में हिस्सा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान करीब है जी, तो ये कब तक बनाया जाएगा और ये मॉडल जो है कहाँ से आपकी बुनियाद हुई, क्योंकि बहुत शानदार मॉडल है आपका जी, ये ख्याल कैसा आया जी, तफसील बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। सबसे पहले जो सवाल मुझे सफदर भाई ने पूछा है कि रमजान की तैयारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर के हाथे में नमाज चल रही है, रमजान उसी पर गुजारना है हमको इंशाल्लाह। हमारी ये जद्दोजहद यह है कि 10 पिलर डाल के फ्लोरिंग डाल कर जो है पिंडाल डाल के जो है इंशाल्लाह यहाँ भी नमाज शुरू कराएंगे। हमारी ये कोशिश ये भी है कि जल्द से जल्द सेंट्रल के तार से डालकर 26वीं से पहले पहले हम रमजान की नमाज ईद की नमाज यहाँ पर इंशाल्लाह अदा करना है, यह हमारा इरादा है। और ये इरादे के लिए मैसूर वाले पूरे जुड़ना है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मौला अली मुश्किल कुशा को चाहने वाले हैं उनका ताउन होना है, उनका साथ होना है, वो सब आके खंधे से खंधा लगा कर जो है मेटेरियल वगैरह दिलाकर जो है अपने नाम से अपने मरहूमिन के नाम से हिस्सा ले सवाब के लिए वो देना है इंशाल्लाह। तब जाके इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह उसके रसूल की जात से उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल, जैसे कि उलमा इकराम और सरकार साहब ने फरमाया कि आने वाला महीना भी बाबरकत है और ये सवाब जारिया का ये है, तो आप देखने वालों को क्या कहेंगे, किस तरह आपको मदद करें, आपका गूगल पे है या किस तरह आप आकर ताउन किस तरह शक्ल में करें जी? दो ये सवाल से पहले और एक सवाल था, ये मॉडल कैसा आपने, ये मौला अली मुश्किल कुशा का सदका है। हमारे दिमाग में ये बात डाले, नजबे अशरफ जो मौला अली का रोजा है, हूबहू नजबे अशरफ का जो रोजा का जो मॉडल है उसी मॉडल पे ये ताजमहल जो है उसी शबी ताजमहल का डिजाइन भी हुआ है। तो वो डिजाइन के मुताबिक हमने एक इंजीनियर को पकड़ के जो है इस तरीके का मॉडल बनाने के लिए हमने उनको समझाया बोला, तब जाके जो है एक मॉडल की शक्ल में उन्होंने हमको यह पेश किया है। तो इसी तरीके से एक मॉडल भी बन रहा है मस्जिद मौला अली का मुकम्मल, उसका जो तरीके से आएगी वो मॉडल भी इंशाल्लाह एक 6-7 दिन में वो रेडी होकर आ जाएगा। उसके साथ प्लान एस्टिमेट यानी कि पूरा हो चुका है। ये बनावटी मामले में किसी तरीके की लापरवाही हमने नहीं किया है, पूरे अच्छे से अच्छे इंजीनियर को पकड़ के अच्छे से अच्छे प्लानर को पकड़ के वो अच्छे अच्छे रॉड सेक्शन हो किसी भी तरीके का जो माहिर कलाकार हैं इसके उन लोगों को बुला के जो है यहाँ पर हम खिदमत करने का जो बड़ा उठाएं उनके साथ हम जुड़ के हैं। और दूसरी बात यह है कि कॉन्टेक्ट कैसा करना, हम अपील ये कर रहे हैं मैसूर से बाहर से भी, हमको मटेरियल की सख्त ज़रूरत है, हमको आप आइए, हम जो मटेरियल होना आपको बोलेंगे वो मटेरियल ला के दीजिए, उसका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। रहा लेबर्स का प्रॉब्लम, लेबर्स का मामला, मैसूर में ऐसे मसाजिद हैं वहाँ पर हम चंदा करेंगे या दूसरा कोई भी ये फ्लोर का ये पेमेंट में मैं दे दूँगा, को कौन भी ऐसा आगे बढ़ को आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये फ्लोर का इतना लेबर पेमेंट हमें गुजार लेकर चिल्ला रही। हमें फर्स्ट सफदर भी हमें क्या बोल रही है तो पैसा नको, हमना मटेरियल होना, सीमेंट होना, जल्ली होना, बालू होना, लोहा होना। फिर भी आपको कांटेक्ट करने के लिए आपका नंबर बताइए। हमारा नंबर है गूगल पे भी, मैं नंबर तुम्हें ये करता हूँ जी, नंबर डबल 9809279 इस नंबर पर रब्ता फरमाए। और जो भी आना चाहते हैं, हमारा जो है गौसिया नगर हैदर अली सी ब्लॉक 13वें क्रॉस में ये मस्जिद मौला अली कायम है। अगर आप मस्जिद मौला अली को एक मिनर मस्जिद चौदाल बदर से आना चाहते हैं तो वहां से 13वें क्रॉस में मिलती है। अगर बीडी कॉलोनी अजीत सेठ नगर से आना चाहते हैं तो शालू बेकरी से राइट टर्न होके मस्जिद मौला अली पे नीट से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप आइए, देखिए, जो भी करना है आप खुद इंतजाम कर सकते हैं इंशाल्लाह।